इंडिया की वो दो कप्तान जिन्होंने टीम इंडिया को जीतना सिखाया। जी हाँ, पहले कप्तान थे सौरभ गांगुली, जिन्होंने हर मुकाबले को लड़ाई लड़ी, हर मुकाबले को जीतना चाहा। दूसरे कप्तान विराट कोहली, जिन्होंने विदेश में भी टीम इंडिया को चैंपियन बनाया, ट्रॉफियां जीती, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हराया। इस अंदाज के दोनों कप्तान और टीम इंडिया को बहुत कुछ दिया अपनी कप्तानी में। और आज इन दोनों के बीच एक जंग चल रही है, कहीं ना कहीं एक कोल्ड वॉर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इस जंग की शुरुआत हुई थी जब विराट कोहली से कप्तानी ले ली गई थी। जी, साल 2021 T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद विराट कोहली से कप्तानी ले ली गई थी। और विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस साल 2022 में बताया कि उनसे बिना बताए उनकी कप्तानी ले ली गई, जिसके बाद वो नाराजगी में टेस्ट की कप्तानी भी साल 2022 जनवरी में छोड़ दी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब हार मिली थी। ये विवाद तब थमा नहीं, उसके बाद इस विवाद में कई सारी नई परतें सामने आती गई। जब चेतन शर्मा, जो पूर्व चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने बड़ा खुलासा किया, उसके बाद ये विवाद और गहरा गया। और अभी जब हाल में ही दिल्ली बनाम बेंगलोर का मैच खेला गया, तब सौरभ गांगुली और विराट कोहली एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाए, जिसके बाद फैंस ने सवाल उठाने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों खिलाड़ी अब एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। ऐसी कई सारी तस्वीरें भी आई जिनमें ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली ना तो सौरभ गांगुली की तरफ देखना चाहते हैं, ना दादा ही विराट कोहली की तरफ देखना चाहते हैं। उसके बाद एक और मूव हुआ, वो मूव था विराट कोहली ने इंस्टाग्राम से सौरभ गांगुली को अनफॉलो कर दिया। इसका जवाब भी सौरभ गांगुली ने दिया, उन्होंने सभी प्लेटफॉर्म से विराट कोहली को अनफॉलो कर दिया। और ये कोल्ड वार अब बढ़ती ही जा रही है। विस्तार से बताएंगे कब क्या क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या है, देखिए पूरी रिपोर्ट। इस विवाद की शुरुआत हुई थी साल 2021 में। जी हाँ, ये वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, टीम इंडिया को कई सारी करारी मात मिली, पाकिस्तान ने हराया। इसके अलावा टूर्नामेंट के लीग से ही टीम इंडिया को बाहर होना पड़ा। MS धोनी उस टूर्नामेंट में मेंटोर के तौर पे टीम से जुड़े थे, रवि शास्त्री कोच थे, विराट कोहली कप्तान थे, लेकिन टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद BCCI ने बड़े कड़े फैसले लिए, उन्हें लगता था कि विराट की कप्तानी में शायद टीम इंडिया कोई ICC ट्रॉफी जीत सकती है, जिसके बाद विराट कोहली से कप्तानी ले ली गई T20 की, वनडे की, और वाइट बॉल का कप्तान बना दिया गया रोहित शर्मा को। और इसके बाद विराट कोहली अपना आपा खो बैठे और कहीं ना कहीं कई सारे विवादित बयान भी दे दिए। इसके बाद जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर पहुंची तो विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि उन्हें बस टीम सिलेक्शन से आधे घंटे पहले बताया गया कि अब वो वाइट बॉल के कप्तान नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये विराट कोहली के लिए बहुत शॉकिंग था, जिसके बाद विराट कोहली ने टेस्ट सीरीज हारने के बाद बतौर कप्तान खुद जिम्मेदारी ली और टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी। बताया जाता था कि ये सिर्फ नाराजगी की वजह से उन्होंने टेस्ट कप्तानी छोड़ी थी। और उसके बाद विराट कोहली का बुरा दौर शुरू हुआ। जी हाँ, ये बुरा दौर बैट के लिहाज से था, विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, जिसके बाद कई सारे बयान आए। लेकिन विराट कोहली का नाम इतना बड़ा था, इतना बड़ा दबदबा था कि विराट कोहली को टीम से ड्रॉप नहीं किया गया, विराट कोहली ने वापसी कर ली। लेकिन विवाद की बात की जाए तो विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब पूर्व चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि विराट को कप्तानी से सिर्फ और सिर्फ उसकी एटीट्यूड की वजह से हटाया गया। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा था। इस पर बहुत सारे दिग्गजों ने कमेंट किया कि आप क्रिकेट का नुकसान किसी के एटीट्यूड की वजह से नहीं कर सकते, जबकि आपको परफॉर्मेंस देखनी चाहिए थी। विवाद पर नया मोड़ तब आया जब दिल्ली बनाम RCB का मैच IPL 2023 में खेला गया। ये मैच बेंगलोर में हो रहा था और कहीं ना कहीं दिल्ली के जो क्रिकेट ऑफ डायरेक्टर हैं वो सौरभ गांगुली हैं, वो भी चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे थे। वहीं विराट कोहली RCB टीम के मुख्य प्लेयर हैं तो वो भी वहां मौजूद थे। मैच हुआ, मैच के बाद जब सपोर्ट स्टार और खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उस दौरान भी देखा गया कि विराट कोहली ने दादा से हाथ नहीं मिलाया, दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया और दादा भी दूसरी तरफ निकल गए। विराट कोहली को दादा ने एक पास कर रहे थे बालकनी से, तो विराट कोहली की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। तो ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पे खूब सारे बवाल उठने लगे और लोगों ने खूब सारे कमेंट किए। विवाद पर नया मोड़ एक बार फिर आया जब विराट कोहली ने सौरभ गांगुली को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। इसके बाद दादा ने भी जवाब दिया, विराट कोहली को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से अनफॉलो कर दिया। अभी विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं हमने देखा था अभी जब लखनऊ का RCB के खिलाफ मैच हुआ था, विराट कोहली और गौतम गंभीर का एक जो विवाद था, काफ़ी फेमस विवाद था, तो 13 साल पुरानी विवाद पर गौतम गंभीर और विराट कोहली एक दूसरे को गले लगाए थे। अब उम्मीद करते हैं दादा और विराट कोहली के बीच कब तक सब सही होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।